thank you हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है शिवम तो शिवम एक तेलुगु फिल्म है तो इसका तेलुगु और हिंदी वर्जन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का अपटिंग कास्ट के परफॉर्म परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो साथ स्टार्ट करते हैं शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे श्रवस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् है उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषाने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामा कृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानों की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडू इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म आई में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पर म्यूज़िक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे बारह सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निजार और समीरा ने गाया था अंदा मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमाचंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुई रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डीएसपी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस फेंककर का भी काम काफी अच्छा नजर आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन थे वो काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोर्सन को अननेसेसरी लग रहा था एडिटिटिंग क्लाइमैक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज़ किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स फिल्म के बढ़िया थे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था एडिटिंग फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी करीबन फिल्म को हाफ एन आवर जितना काम किया जा सकता था श्रीनिवास रेड्डी एज ए डायरेक्टर के तौर पे इस फिल्म के साथ डिसेंट काम करते हुए नजर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो वो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बे बेवजह खींचा हुआ हो ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते तो और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इन्जॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पे सेटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूज़िक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म आई में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी मुझ, म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करते पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंधा महीना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोता डेगर करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कंपोज किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है इन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे तो उसके गैंग और उनका रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूजिक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन थे डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे प्लेस बैक को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी एस पी का बैकग्राउंड सॉन्ग अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायल

कुल cool मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओटीटी टी और सैटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ, साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा, सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री स्रवंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो रो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार थे थे थे। इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजे इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेखावानी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पर म्यूज़िक के राइट्स वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे बारह सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोता डेगर के जो गाना था उसको हेमाचंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर भास्करला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो त, उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे तो उसके गैंग और उनका भोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनैप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूजिक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ी है काफी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस वेंकट का भी काम काफी अच्छा नजर आएगा जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी थे थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से से डिज़ाइन किए इस फिल्म में जिस तरह जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोर्सन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था स्रेवन्ति जहाँ पे इनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है सिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषाने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोता देकर के जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने, ने प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूजिक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिकवानस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर्ड का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं नजर आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन थे वो काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोशन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड सॉन्ग सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पे देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा सिनेमाथड़ी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए सिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरिक्क्शन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री स्रवंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् है उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स है वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषि था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ अप्पा जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पर म्यूजिक के राइट थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे बारह सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज़ करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करते पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोता देकर के जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कंपनी पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे तो उसके और उनका रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लैमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन से काफ़ी से थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीज़ों को हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोशन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स

कुल cool मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीजें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल सेने जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री स्रवंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट्स से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषाने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामा कृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषि था का रोल प्ले कर रही है जो संतानों की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदरभा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निजार और समीरा ने गाया था अंदा मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनीप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लैमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डीएसपी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस फेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइ ओ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल सिने सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहां पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल लिल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री श्रवंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर तो म्यूज़िक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करते पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गैंग और उनका बोजि रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनैप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से बोजि रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन्स थे वो काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोशन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड और सॉन्ग्सो अच्छे थे ही लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स फिल्म

कुल cool मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी और सैटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा, सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग इस पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स है वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो रो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है सिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्ण मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेखा हवा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज़ करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान देकर के जो गाना था उसको हेमाचंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर भास्करला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे हैं काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी से वो पोर्सन हाँ, को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल सिने सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहां पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे श्रवस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल लिल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं म्यूजिक के राइट है वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषाने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने रामा कृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सूर्य हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ अपाजी अंबारी सदर बा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज़ करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंधा दिना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान डेगर करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कंपोज किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो आप फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिकन्ना खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है

जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूजिक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिकवंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकट का भी काम काफी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन से फ्लेसबैक हाँ, पोर्सन को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड और सॉन्ग्सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी और सेटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पर सेटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए सिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् है उसके ऊपर तो म्यूज़िक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषि था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करते गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासी निजार और समीरा ने गाया था अंदा मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान देकर के जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर अभाला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के के ऑफिशियल चैनल ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गैंग और उनका बोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनैप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से बोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुई रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन्स है वो काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोर्सन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स जितना काम किया जा सकता था। के पे इस फिल्म के श्रीनिवासा रेडी डिरेक्टर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बेवजह बे खींचा हुआ ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सिक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए तो जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे श्रवस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल लिल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनोह ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानू की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी इस फिल्म में मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोर्ट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेखावानी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पर म्यूज़िक के राइट्स वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे बारह सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंदा मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान डेगर के जो गाना था उसको हेमाचंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस फेंककर का भी काम काफी अच्छा नजर आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन से वो काफी बढ़िया पोर्सन को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी और सेटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पे सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा, सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषा ने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडू इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सूर्य खवा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अपाजी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी मुझ, म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान देकर के जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसकी गैंग और उनका बोजि रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनैप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से बोजि रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ी है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था था। राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी से वो हाँ, चीज़ों को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स के थे। स्कोर फिल्म श्रीनिवास रेड्डी एज ए डायरेक्टर के, के साथ नजर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो वो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बेवजह बे खींचा हुआ ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते तो और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहां पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री सर्वस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल एलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके ही द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स है वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पांच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है सिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्ण मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म आई में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरीज फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निजार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर अभाला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के म्यूजिकल यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने, ने प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नजर आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से से डिज़ाइन किए इस फिल्म में जिस तरह जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लैस पोर्सन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड और सॉन्ग अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ, साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल सिने सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे श्रवस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी रसूल लिल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार थे थे थे। इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने रामा कृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानों की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया है पंकज केसरी इस फिल्म में बेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सूर्य हवा ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूज़िक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निजार और समीरा ने गाया था अंदा मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो आप उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो बोझी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गैंग और उनका बोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनैप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से बोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ी है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस वेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी से वो काफी बढ़िया पोर्सन को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी और सेटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल सिने सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहां पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिर उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री सर्वस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल लिल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री स्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् के उसके ऊपर तो म्यूज़िक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशिक खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्ण मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पाजी अंबारी सदर बा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करते पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान दे करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो आप फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनीप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लैमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन्स काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोशन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डी का बैकग्राउंड और सॉन्ग्सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स फिल्म के बढ़िया थे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था एडिटिंग फिल्म की काफी ज्यादा बड़ी थी करीबन फिल्म को हाफ एन आवर जितना कम किया जा सकता था श्रीनिवास रेड्डी एज ए डिरेक्टर के तौर पे इस फिल्म के साथ डिसेंट काम करते हुए नजर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो वो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बेवजह बे खींचा हुआ हो ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते तो और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसिस उनके कॉमेडी सिक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पी इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओटीटी टी और सैटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट चैनल से सिने सिनेमा जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाइस शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल एल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ डिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके ही द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यूएस सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् है उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने, ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो रो किरदार प्ले किए हुए हैं राशिक खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का, फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषि का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्ण मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बालाकृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज़ करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान देकर के जो गाना था उसको हेमाचंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पोज किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहले बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो त, उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी ये दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फ़िल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फीस वेंकट का भी काम काफ़ी अच्छा नजर आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवासा रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी से से थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से से डिज़ाइन किए इस फिल्म में जिस तरह जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लैश बैक पोर्सन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर सो अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स बढ़िया थे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा था एडिटिंग फिल्म की काफी ज्यादा बड़ी थी करीबन फिल्म को हाफ एन आवर जितना कम किया जा सकता था श्रीनिवास रेड्डी एज डायरेक्टर के के तौर पे इस फिल्म साथ डिसेंट काम करते हुए नजर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो वो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बेवजह बे खींचा हुआ ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते तो और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई एम डी पी फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा जी सिनेमा, सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए सिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती स्र... श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इल्लोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री श्रवंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पेक् है उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट है वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पाँच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने नहीं देखने को मिलेंगे जिन्होंने सिवा और राम दो रोल किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन इनलॉ का रोल प्ले कर रहे हैं पोषा ने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामा कृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाचाज जो इस फिल्म में ऋषि था का रोल प्ले कर रही है जो संत की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडू इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल दिखवाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफी इस फिल्म में मुस्तफा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ है फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरी इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेख हवानी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ है अप्पा जी अंबारी सदरबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहां पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिछले गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निजार और समीरा ने गाया था अंद मैना लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोतान देकर के जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पांच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कम्पो पोस्ट किया गया था और भास्कर अभाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है जिन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादियाँ करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशि खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे हैं तो उसके गेंग और उनका भोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे हैं तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये सिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमेंस ड्रामा एक्शन फाइट सिक्वेंस डांस सभी जगह पर उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूज़िक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर का भी काम काफ़ी अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी से वो काफी बढ़िया पोर्सन को, को, को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायलॉग्स के फिल्म, अच्छा फिल्म, फिल्म, के फिल्म के बढ़िया थे बैकग्राउंड स्कोर श्रीनिवास रेड्डी नजर आते अगर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प रखते तो वो अच्छा रहता क्योंकि सिंपल स्टोरी थी उसको बेवजह बे खींचा हुआ हो ऐसा लग रहा था इस फिल्म को दो घंटे दस मिनट के रन टाइम के साथ दिखाते तो और बेहतर होता कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 चार की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पर रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के सहित साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइ ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहां पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल वहीं पे सैटेलाइट से चैनल सेने जी सिनेमा जी सिनेमा एच के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए शिवम जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ श्रीनिवास रेड्डी ने जो स्टोरी आइडिया था वो श्रीनिवास रेड्डी का ही था उसके ऊपर स्क्रीन प्ले डिरशन उन्होंने ही किया था लेकिन जो डायलॉग थे वो किशोर तिरुमाला ने लिखे हुए थे सर्वस्ती रवि किशोर ने इस फिल्म को श्री श्रवस्ती श्रीवंती मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था श्रवंती रवि कुमार ने श्री श्रवंती मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज़ करवाया गया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी रसूल इलोर ने की हुई थी एडिटिंग मधु ने की हुई थी जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे और 48 मिनट के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी तो एक काफ़ी लंबे रन टाइम के साथ बनाई गई ये फिल्म थी जिसको हाँ, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ रिसेंट बजट के साथ श्री श्रावंती मूवीज़ के द्वारा ही बनाया गया था उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ़ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था और इसको बाद में यू सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी यू ही सर्टिफिकेट दिया गया था अब हम बात करें इस फिल्म के वर्जन के बारे में यानी कि इस फिल्म के जो गाने हैं अलग अलग स्पे के उसके ऊपर तो म्यूजिक में देवी श्री प्रसाद ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट से वो टी सॉरी आदित्य म्यूजिक के पास है फिल्म में टोटल पांच गाने थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में राम पोथी ने देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिवा और राम दो किरदार प्ले किए हुए राशि खन्ना तन्नू के रोल में दिखाई देंगी अभिमन्यु सिंह ने अभी का रोल प्ले किया हुआ है ब्रह्मानंदम ने इस फिल्म में टाइगर भाई का रोल प्ले किया हुआ है शिवा अंकल का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ है वहीं पे विनीत कुमार इस फिल्म में बोजी रेड्डी के रोल में दिखाई देंगे जया प्रकाश रेड्डी इस फिल्म में बोजी रेड्डी के ब्रदर इन लो का रोल प्ले कर रहे पोषाने कृष्णा मुरली ने शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है मनो ने तनु के फादर का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवास रेड्डी ने रामाकृष्णा जो शिवा के फ्रेंड का रोल था वो प्ले किया हुआ है सत्यम राजेश इस फिल्म में शिवा के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे हिमाजा जो इस फिल्म में ऋषिक था का रोल प्ले कर रही है जो संतानु की फ्रेंड का रोल था वहीं पे नागी नीडो इस फिल्म में कृष्णा मूर्ति के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे कृष्णा भगवान इस फिल्म में आईपोट शास्त्री के रोल में दिखाई दिखाई देंगे इसके अलावा सफ़ी इस फिल्म में मुस्तफ़ा का रोल प्ले करे सप्तगिरी ने हैप्पी का रोल प्ले किया हुआ फीस वेंकट ने फीस का रोल प्ले किया हुआ है पंकज केसरीज फिल्म में पेड्डी रेड्डी के रोल में काम करते हुए नजर आएंगे नरेश अमित तिवारी सुरेखा हवा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे मधु नंदी ने बाला कृष्णा बालकी का रोल प्ले किया हुआ अप्पा जी अंबारी सदर बा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रोल दिया गया है तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो देवी श्री प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे जहाँ पे म्यूजिक के राइट्स थे वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे 12 सितंबर 2015 को इस फिल्म का ऑडियो एल्बम को लॉन्च किया गया था उसके बाद में इस फिल्म के वीडियो ऑडियो फॉर्मेट गानों को आदित्य मूवी म्यूजिक के द्वारा ही रिलीज करवाया था ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत कर पहला गाना है शिवम शिवम जिसको कार्तिक ने गाया हुआ था प्रेमा ने पिच्ची गाने को नरेंद्र ने गाया हुआ था आई लव यू टू गाने को यासिन निज़ार और समीरा ने गाया था अंधा लोकम गाने को सागर और हरिप्रिया ने गाया था गुंडे आगे पोता डेगर करके जो गाना था उसको हेमा चंद्र और एम एम मानसी ने गाया था टोटल पाँच गाने थे जिसकी लेंथ सत्रह मिनट सत्ताईस सेकंड की थी जिसको देवी श्री प्रसाद के द्वारा कंपोज किया गया था और भास्कर भाटला रवि कुमार के द्वारा सभी गानों के लिरिक्स लिखे गए थे और इन सभी गानों को भी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते राम जो एक सिंसियर एक्टर है इन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है तो उनका जो किरदार है यानी कि सिवा जो राम पोथी ने नहीं प्ले करे वो रोल वो एक हैप्पी गोल लकी पर्सन है जो हमेशा लव मैरिज को सपोर्ट करता आ रहा है और जो कपल है जो अब उनके पेरेंट्स उनके अगेंस्ट है तो वो उनको हेल्प करता है उनकी शादी करवाने के लिए किसी एक दिन वो तनु नाम की लड़की से मिलता है जिसका रोल राशिक खन्ना प्ले कर रही है उसको पहली बाहर ही देखते उसको वन साइड लव हो जाता है धीरे धीरे वो तनु को फॉलो करता है उसके गांव तक जाता है और और वो उस धीरे धीरे उसके पीछे लग जाता है और किसी तरह से जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बीच में वो भोजी रेड्डी से एक प्रॉब्लम में फंस जाता है वो रोल विनीत कुमार प्ले कर रहे तो उसके उनका भोजी रेड्डी है दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए और इसी समय के दौरान एक और गुंडा है जिसका नाम अभी है उसका रोल अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे तो वो तन्नू को किडनेप करने के लिए उसके पीछे आया हुआ है अब ये शिवा क्या क्या करेगा आगे इसके अलावा वो किस तरह से भोजी रेड्डी और अभी को सेम टाइम पे हैंडल करता है वही फिल्म की कहानी बनाती है जिस तरह से मैंने कहा कि राम एक सिंसियर एक्टर है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में उतना ही सिंसियरली काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग की हुए रोमांस ड्रामा एक्शन फाइट सीक्वेंस डांस सभी जगह पे उनका काम काफ़ी बढ़िया था वो अकेले ही अपने फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे राशि खन्ना ग्लेमर के वाइज काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी राम के लव इंटरेस्ट का रोल बखूबी उन्होंने अच्छी तरह से प्ले किया हुआ है कुछ एंटरटेनिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं डायरेक्टर ने वहाँ पे काफी अच्छा काम किया हुआ है जो फिल्म को और बेहतर बनाते हैं डी का म्यूजिक फिल्म का मेजर एसेट है गाने अच्छे काफ़ है काफ़ी एंटरटेनिंग है कॉमेडी सिक्वेंस है वो भी काफी बढ़िया है फिल्म के इसके अलावा इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में फेस वेंकर का भी काम काफी अच्छा नजर आएगा जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं उनका रोल अच्छा था फिल्म के विजुअल्स जैसे कि गाने में प्रोडक्शन वैल्यू है वो सभी चीज़ें काफी बढ़िया नजर आती है फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट था कॉमेडी सीन्स के साथ श्रीनिवास रेड्डी ने अच्छी तरह से काम किया हुआ था राम और श्रीनिवास रेड्डी के बीच में जो वो सभी सीन थे डिजाइन किए थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह से जो कहानी सेट की हुई थी जिस तरह से चीजों को खींचा हुआ था उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे क्लाइमेक्स को और बेहतर कर सकते थे फ्लेसबैक पोशन को अननेसेसरी लग रहा था इरिटेटिंग क्लाइमेक्स था उसको और छोटा और क्रिस्प कर सकते थे इसके अलावा डीएसपी का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे लोकेशन भी काफी बढ़िया चूज किए हुए थे उसको कैमरा वर्क के द्वारा अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था डायरेक्ट

कुल मिला के बात करें तो एक रूटीन स्टोरी थी लेकिन कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पे अगर इस फिल्म को देखना है देख सकते हो क्योंकि राम की परफॉर्मेंसेस उनके कॉमेडी सीक्वेंस फिल्म को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया तो वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो उनके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है शिवम फिल्म को थिएटर में 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया था वहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला था जिसके चलते आई एम डी पे इस फिल्म को 550 वोट हासिल हुए थे जिसमें 5.4 की रेटिंग मिली थी 10 में से और इस फिल्म को बाद में एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उसके बाद ओ टी टी और सेटेलाइट पे रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो खरीदे हुए जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट दोनों राइट्स ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को शिवम नाम के साथ ही डब करके प्रीमियर करवाया हुआ था तो फिलहाल में शिवम फिल्म को अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में शिवम नाम के साथ इंजॉय कर सकते हो सैटेलाइट वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में शिवम नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शिवम नाम के साथ अगर आपको ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है तो देख सकते हो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में शिवम नाम के साथ विथ इंग्लिश सब वहीं पर सेटेलाइट चैनल से जी सिनेमा जी सिनेमा सिनेमाचड़ी के ऊपर इस फिल्म का हिंदी वर्जन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाए जाता है तो बस गाय शिवम फिल्म को कैसे देख सकते हो उसकी जानकारी दे दिए तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी इस फिल्म के रिगार्डिंग तो इस फिल्म को किस तरीके से ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दी हुई है फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म से जुड़े सभी फैक्ट्स और अलग अलग एस्पेक्ट हमने शेयर किए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू